हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल द क्रेजी ट्यूबर पे वेलकम करती हूँ। दोस्तों ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी मिल सके। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि चाय खाकरा कैसे बनाते हैं। नॉर्मल चाय तो हर घर में बनाई जाती है जिसमें हम डालते हैं चाय पत्ती, शक्कर, दूध और मसाला। यहाँ मैं चाय की एक अलग रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। चाय एक ऐसा नशा है जो बच्चे से लेकर बूढ़े भी इसे पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। ये थोड़ी अलग तरीके की चाय है जिसमें हमें कुछ चीज अवॉइड करनी है और कुछ अलग चीजें डालनी है। दोस्तों सिर्फ एक मजेदार चाय पीना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उस मजेदार चाय को आप किसके साथ और क्या कॉम्बिनेशन के साथ खाते हो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये वीडियो के एंड में मैं आपसे शेयर करूंगी कि ये तरह की चाय के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट सूट करता है। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। ये चाय बनाने के लिए सबसे पहले हमें तपेले में पानी लेना होगा। पानी हम सिर्फ आधा ग्लास से भी कम लेंगे। तो चलिए हम पानी बॉईल करना शुरू कर देते हैं। ये मैंने गैस चालू कर दिया है। जैसे ही पानी हाफ बॉईल हो जाएगा वैसे ही हम उसमें चाय पत्ती डाल देंगे। चाय पत्ती 1.5 से 2 चम्मच काफी होगी। अगर आप कड़क चाय पीना पसंद करते हैं तो आप अपने स्वाद के अनुसार 2 चम्मच से भी ज्यादा डाल सकते हैं। चाय पत्ती को हमें ज्यादा नहीं उबालना है क्योंकि चाय पत्ती जितना ज्यादा उबलेगी उतनी ही हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, वो हमारे शरीर के लिए जहर बन जाती है। देखिए दोस्तों इसमें कलर आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। दूध हम इसमें 1/4 ग्लास यानी कि 3/4 ग्लास डालेंगे। हमें इसमें चाय का मसाला नहीं डालना है क्योंकि मसाला डालने से चाय में तीखास आ जाती है, फिर ये चाय खाकरे के साथ नहीं अच्छी लगती। चाय उबलकर तैयार हो रही है तब तक हम खाकरे की तैयारी कर लेते हैं। पहले एक प्लेट लेते हैं, उसमें हम 2 खाकरे कुछ इस तरह से चू लेंगे। दोस्तों अगर आपको पसंद है तो आप इस चाय में पुदीना भी डाल सकते हैं। याद रहे हम इसमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं डालेंगे जिससे चाय तीखी बन जाए। ये देखिए अब हमारी चाय उबलकर तैयार है। अब हम गैस बंद कर लेंगे। अब हम ये चाय को चूरे हुए खाकरे में छान लेंगे और ये आपका चाय खाकरा सर्व करने के लिए तैयार है। दोस्तों इस तरह के चाय आप खारी बिस्किट या फिर कोई भी नमकीन बिस्किट के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।